हेलो दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बड़ों को पैरी पौना और छोटों को मेरा प्यार। आज हम इस व्लॉग में आपको नैनीताल घुमाएंगे, तो चलिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये देखो, हेलो गाइस, हम हैं नैनीताल। तो फॉरेस्ट वाले पर्ची काट रहे हैं, यहाँ फॉरेस्ट वालों की पर्ची कटती है नीचे। जो फॉरेस्ट वाला है वो तो फ्री है, बाकी आपको गाड़ी लानी है तो गाड़ी पीछे लगा सकते हैं आप। बाकी इससे बात करिए। अभी हम घूम रहे हैं नैनीताल रोड पे। अभी हमने गाड़ी पार्क की है अपनी पार्किंग पे। और पार्किंग हाँ। में नहीं करी है, रोड पे करी है पार्किंग। हम वही अभी हम जब होटल देखेंगे तो तब उसके पार्किंग में वो करेंगे। ये है नैनीताल झील। आज हम 3 तारीख को आए हैं तो इतना ज़्यादा रश है नहीं, क्योंकि आज ऑफिस डे था। हाँ, कल आप कल या परसों जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन बहुत ज़्यादा रश रहता है। आप यहाँ से रिक्शा भी कर सकते हैं, रिक्शा भी जाता है वो आपको माल रोड पे पहुँचा देगा। टैक्सी भी जाती है वो भी आपको माल रोड तक पहुँचा देगी। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की तो कोई कमी नहीं होगी, आपको रिक्शा छोड़ देगा, आपको बाइक मिल जाएगी रेंट पे, सब मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ आए सम्मी के मुँह बोल ज़रूर खाएं, बहुत टेस्टी होते हैं। वैसे तो मैंने अभी तक नहीं खाए पर मैं पहली बार चेक करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ नैनीताल की है, उसने पहले से खा रखे हैं। बहुत टेस्टी है। आगे मोमोज, नॉन वेज मोमोज, वेज भी अच्छे हैं बट मुझे तो नॉन वेज ही ज़्यादा पसंद है। ये हम पहुँच गए नैनीताल और ये है नैनीताल झील। यहाँ पे जिम के काफी सारे इक्विपमेंट बने हुए हैं, बहुत तो आप देख सकते हैं। कुछ नहीं है, छोटे बच्चों का पार्क है, छोटे बच्चों को आप घुमाने ला सकते हैं यहाँ पे इजी। एंड ये देखिए यहाँ पे राहुल, आप यहाँ बैठ के दिखाओ, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बच्चे को घुमाने ला सकते हैं शाम को ताकि उसका भी टाइम स्पेंड हो सके। देखिए ना यहाँ पे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा, उनका मतलब ये है कि टाइम बहुत अच्छा कटेगा और वो खुश भी रहेंगे। ये देखो यार, ये झील का व्यू है और ये आपके छोटे मोटे जिम का व्यू है जिसमें अभी एक्सरसाइज करके हमने आपको सब दिखाया था। ये देखिए, ये देखिए, ये लड़की बहुत मेहनत कर रही थी। देखिए यार नैनीताल झील ये रही, वो तो सबने मोस्टली लोग आए होंगे यहाँ। मंदिर आपको वो सामने जस्ट दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, वो आगे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, हम आपको जाके दिखाएंगे। तो वहाँ भी है नैना देवी मंदिर, वहाँ पे अष्टमी नवमी दशहरा A1 इतना अच्छा होता है वहाँ पे। आप देखोगे आपको बहुत पसंद आएगा, वहाँ पे बहुत अच्छा अष्टमी नवमी पूजा जाता है। तो आइए नज़ारों का मजा लीजिए। यहाँ शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। आगे तिब्बती मार्केट भी है, हम वहाँ भी आपको दिखाएंगे। यहाँ आंटी लोग बैठे हुए थे, वो बुनाई कर रहे थे एंड ये सॉक्स एंड ऑल बना रहे थे, स्वेटर्स एंड सॉक्स बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बना रहे थे। बहुत ही अच्छे लगे जो हमें। अब जब नैनीताल के अंदर एंटर करते हैं, ये मार्केट आपको राइट साइड में पड़ती है और लेफ्ट साइड आपकी झील पड़ती है, नैनी झील। हाँ, आपके डेकोरेशन के लिए, होम डेकोरेशन के लिए बहुत सारे आइटम उपलब्ध थे, बहुत सारे आइटम थे जो 150 से स्टार्ट थे, बहुत अच्छे। ये हमारे यहाँ छूती होती है गांव की साइड,
उनसे बनाए हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे थे। ये सारी आपकी तिब्बती मार्केट है, इसको तिब्बतीन मार्केट, भोटिया मार्केट बोलते हैं। यहाँ बहुत सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं, कोट आपको 100-200 रुपए में मिल जाएंगे, लड़कियों की भी शॉपिंग बहुत सस्ते में हो जाती है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे आपको। ये आपके मार्केट ग्राउंड के बगल में लगती है। खाने के लिए भी यहाँ A1 क्वालिटी का फूड है, आपको हर जगह बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ सम्मी के मोमोज भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पड़ता है आपका माँ नैना देवी का मंदिर, जो बहुत ही अच्छा मंदिर है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो हम वहाँ फोटो नहीं खींच पाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले। गॉड ब्लेस यू ऑल।